सो स्टेप बाय स्टेप आज इसी समझना है, ज्ञान तो शुरुआत करनी है, फिर शांति कितना आएगी और फिर अनंत तक कितना पहुंचना है। सो पहला पॉइंट ऐसी कीजी, ऐसी तो आने को सवाल पूछना है कि की तुसी ईश्वर दे हाथ बनोगे, की तुसी ईश्वर दे हाथ बनोगे। और तुसी कहना जी ए मालक मालक क्यों पूछ रहे हैं, ते दे पीछे कहानी है, फिर समझ आएगा। एक कहानी है जर्मन दी, जर्मनी जो तो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा से, जो तो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा से, तो जर्मन के अंदर एक एरिए च ना जीजस क्राइस्ट की एक प्रतिमा सी, एक मूर्ति सी, जिहड़े इदां हथ करके ना हथ उपर नूं चके हुए दो ही जीजस क्राइस्ट ने, यीशु मसीह ने, और वह स्टैचू वह मूर्ति लगी हुई सी उत्थे जर्मनी के एक एरिए विच। पर जो दूसरा विश्व युद्ध होया तो वह बंबबारी के विच जीजस क्राइस्ट के दोनों हथ नष्ट हो गए, क्योंकि बंबबारी विच मूर्ति के प्रतिमा के दोनों हथ टुट गए। हुण जो युद्ध खत्म होया, चारों पासे शांति हुई, तो इलाका वासी चाहते तो जीजस की प्रतिमा के हथ दुबारा बना सकते सी, पर उन्होंने हथ नहीं दुबारा बनाए। और अज भी जर्मनी के अंदर, जर्मन के अंदर वह जीजस की बिना हथों तो प्रतिमा खड़ी है। हुण उन्होंने दुबारा हथ नहीं बनाए, चाहते तो बना सकते सी पर बनाए नहीं, बल्कि उन्होंने की किया, वह जीजस की प्रतिमा के थले जर्मन भाषा में उन्होंने लिख के कुछ ला दिता। हुण उन्होंने जर्मन भाषा च लिख के लाया, क्योंकि अपने देश की भाषा च लाना सी, पर असीं तुहानूं हिंदी च दसांगे कि उन्होंने की लिख के लाया। प्रतिमा दे थल्ले लिख के लाया कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और सबके जीवन में खुशियों का रंग भरने के लिए भगवान को आपके हाथों की जरूरत है, क्या आप उसके हाथ बनोगे। यानी जीसस क्राइस्ट ने हाथ बनाए नहीं, बल्कि की क्या कि जीसस ने हाथ नहीं बनाए, वो कहते हुण तुसी जीसस दे यानी भगवान दे परमात्मा दे, क्योंकि इंसान जिन्हों प्यार करता ना, जिदा जिहड़े श्री कृष्ण नूं प्यार करते हो कहिंदे भगवान श्री कृष्ण, जिहड़े महात्मा बुद्ध नूं कहिंदे भगवान महात्मा बुद्ध, इदां ही जीसस क्राइस्ट नूं कहिंदे गॉड या ईश्वर दा बेटा। वो कहिंदे की लिखिया उत्थे, और इह गल जदों असीं पढ़ी तो सानू बड़ी दिल की गहराई तक उतर गई कि वाकई गल सच्ची है। समझदे हो कि नहीं कि अज ईश्वर नूं अपने हत्थां दी लोड़ की है, और रब दे प्यारे नूं अपने हत्थां दी लोड़ की अज जरूरत है सानू, कि असी यह दुनिया नूं बेहतर बनाने दे वास्ते, दुनिया नूं सुंदर बनाने वास्ते और सब दे जीवन च खुशियां दे रंग भरन वास्ते, फिर असी क्यों ना ईश्वर दे हत्थ बणीए, असी क्यों ना परमात्मा दे हत्थ बणीए। जरा गहराई की गल है, समझदे हो कि नहीं। तां ही असी पुछिया कि केड़ा केड़ा ईश्वर दे हथ बनना पसंद करेगा, केड़ा केड़ा भगवान दे हथ बनना पसंद करेगा, क्योंकि जेड़ा यह दुनिया नूं बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जेड़ा दूसरे दे जीवन च खुशियां दे रंग भरन की कोशिश करता है, तो समझ लो वो काम कर रहा जो ईश्वर करना चाहता है, तो जेड़ा यह काम करेगा वह आपे ईश्वर का हथ बन गया। समझदे हो, ईश्वर दे कोलों पाना तो असीं सारे चाहते हाँ कि सानू परमात्मा ये देवे वो देवे, पर कभी यह भी पुछो, ये तो असीं कहिंदे ऐ मेरे मालिक मैनू आ दे, ऐ मेरे मालिक मैनू वो दे, कभी यह भी पुछो ऐ मेरे मालिक मैनू दस तू की चाहता है, मेरी इच्छा तो मैं दसी जाता, मैनू आ दे, मैनू वो दे, मैनू आ चाहिए, मैनू वो चाहिए, कभी पुछो ऐ मेरे मालिक मैं तेनू प्रेम करता, दस मैं ऐसा की करा जिन्ना तेनू खुशी मिले, कभी यह भी पूछ लिया करो, क्योंकि प्रेमी यह नहीं कहते मैनू आ मिले, प्रेमी यह कहते हैं कि मैं अपने मालिक नूं प्रेम करता है, मालिक दस मैं तेरी खातर की करा। इसलिए अपने आप तो एक सवाल पूछा करो, जो भी सवेरे उठते हो, जो भी सवेरे उठते हो तो अपने आप तो एक सवाल पूछा करो, पता कि सवाल पूछना है, अपने आप तो यह सवाल पूछो कि मैं अपने जीवन नूं और इस संसार नूं बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, कि मैं अपने जीवन नूं और इस संसार नूं बेहतर बनाने लिए की कर सकता हाँ। फिर उसने जो भी मन दे विच विचार आवे उन्हूं या तो लिख लो, और लिख के या तो अपने अंदर जवाब लवो, और फिर उसते अमल करन दी कोशिश करो, क्योंकि जदों तुसी इस तरह कोशिश करते हो तो फिर यह संसार भी बेहतर होंदा चला जाएगा और तुहाडा जीवन भी बेहतर होंदा चला जाएगा। पर अज इंसान पता सवेरे उठ के की सोचता है, ये नहीं सोचता ये दुनिया नूं बेहतर किदा बनावां, यह संसार नूं बेहतर किदा बनावां, बंदा कहिंदा अपने घर नूं बेहतर किदा बनावां, किहदी जेब कट्टां, किहनूं ठगां, किहनूं चोरी करां, किहनूं इदां करां, किहनूं उदां करां ताकि मेरा घर वधिया बन सके, मैं वधिया रेस्टोरेंट च खाना खा सकां, मैं वधिया आह काम कर सकां, किहनूं मैं ठगां। यानी अज इंसान दा ध्यान जिहड़ा है दूजियां नूं
तकलीफ देन विच है, दूजा नू परेशानी देन दी तरफ है, पर अगर असीं इह दुनिया नू सुंदर बनाना चाहते हैं तो फिर अज तो सानू यह विचार अपने अंदर लियाना पेगा कि अपने जीवन नू और इस संसार नू बेहतर बनाने वास्ते मैं की कर सकता है। जिदा बंदा सोचता है ना अपने घर नू सुंदर बनाने वास्ते मैं होर की कर सकता है, तो फिर अंदरों की मन कहेगा इदा कर, इन इदा का पेंट करा होर ज्यादा सुंदर हो जाएगा, है ना, बाहर इदा का डिजाइन बना ला, इदा का गेट लवा लै, आ गेट के उपर इदा की प्लेट लवा लै, यह होर ज्यादा सुंदर लगेगा, और अंदर इदा की पेंटिंग ला ला ड्राइंग रूम च, बैडरूम च इदा का बैड रख लै, आ ड्राइंग रूम च इदा के सोफे रख ला होर ज्यादा सुंदर, क्योंकि जो पूछांगे तो अंदरों जवाब आता कि नहीं, अगर मैं इतने आ करा तो ज्यादा सुंदर होएगा। हुण अपने घर बारे तो असीं रोज पुछदे हाँ, अपने आप नूं पुछदे भी हाँ और करदे भी हाँ, हुण थोड़ा जिहा भी पुछो कि मैं इस संसार नूं बेहतर बनाने वास्ते और अपने जीवन नूं, और जीवन का मतलब यह नहीं कि कपड़ा, जीवन का मतलब यह नहीं कि गड्डी, जीवन का मतलब नहीं घर, उहदे वास्ते तां कर ही रहे हैं, जीवन का मतलब है कि अपनी करनी नूं, अपने अमलां नूं, अपने कर्मां नूं मैं किदां बेहतर बना सकदा, क्योंकि याद रखना हमेशा कि इंसान जदों अपने आप नूं बेहतर बनांदा है और संसार नूं बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो फिर जदों इस संसार नूं बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने आप नूं बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो जिहड़ा बेहतर हुंदा चला जांदा परमात्मा दे नेड़े भी, उहदियां रहमतां दे नेड़े भी, आनंद दे नेड़े भी वह हुंदा चला जांदा है। अज असीं इह गल अपने आप तो जरूर पुछणी है कि जेड़ियां मेरियां रोज दियां आदतां है, जेड़े मेरे रोज दे काम है, वह संसार नूं बेहतर बनाने वाले है, मेरे जीवन नूं बेहतर बनाने वाले है, या मेरे जीवन नूं या संसार नूं बदसूरत बनाने वाले है। समझदे हो कि नहीं? हुण एक बंदा अपने आप पुछ के देखे कि भाई कि जे मैं कोई नशा करदा हाँ तो यह मेरे जीवन नूं बेहतर बनाने वाला है, संसार नूं बेहतर बनाने वाला है, तो अंदरों की जवाब आएगा कि नहीं, नशा करन नाल ये शरीर भी गिरता है, यानी तंदुरुस्ती भी गिरती है, अकल भी जाती है, और नाल नाल संसार ते भी एक बुरा प्रभाव पैंदा है, क्योंकि एक नू नशा करते देख के दूजा करता है, दूजे नू करके देख के तीजा करता है, तेरा समझना सारिया ने, जब असीं कई बार ये इशारा किया ना, जे एक रेड लाइट तोड़ देवे ना तो मगर दूजी गड्डी भी तोड़ देनी, लै वो चला गया, मैनू कौन रोक सकता, मैं भी चला जाता है, एक नू गलती करदे आ देख के दूजे भी फिर देखा देखी करते चले जाते हैं, तो एक नू अगर अच्छाई करन दी आदत बना लवे कि मैं अच्छा करना है, मैं नेकी करनी है, तो वह एक अच्छा करदा करदा दूजिया अंदर भी अच्छाई का बीज बीज दिंदा है, बो दिंदा है, इसलिए समझना। सो अपने आप नू चेक करिया करो, पुछया करो, क्योंकि पहली गल तो एक गल का सानू जवाब दियो, तुसीं अच्छे बनना चाहते हो या बुरे, बेहतर होना चाहते हो या गिरना चाहते हो, जिथे को उतों भी थले जाना चाहते हो, तो फिर पुछो अपने आप नू कि मैं अपने जीवन नू बेहतर बनाने वास्ते की कर सकता है, अपनी सोच नू बेहतर बनाने वास्ते की कर सकता है। समझदे हो कि नहीं? तो उसले बंदे नू आंदा है कि जीवन नू बेहतर करन वास्ते मैनू बेहतर काम करने पैणगे, अच्छे कर्म करने पैणगे, सोच नू बेहतर बनाने वास्ते मैनू अच्छे विचार सुनने पैणगे, संतां गुरुआं रहबरां दे वचन सुनने पैणगे, क्योंकि बेहतर चीज़ उदों ही बनती जदों उहदे अंदर बेहतर जांदा है, क्योंकि बर्तन च बेहतर जाएगा तो बेहतर ही बाहर निकलेगा, बुरा जाएगा तो बुरा ही बाहर आएगा, क्योंकि जो अंदर जाना है बाहर भी उही आना है, क्योंकि जो तुसीं जेब च पाना है ना निकलना भी उही है। समझदे हो कि नहीं? नथू लाल जिहड़ा के मसाला रगड़ के खाण की आदत सी, उहनूं बड़ी मसाला हुंदा ना हाथ ते पा के रगड़ के खांदे आ लांदे आ, तां उहदी घर वाली नाल कई वार उहनां लड़ाई कीती, कई वार उहनूं कहा आ कम छड़ दे तेरी सेहत वास्ते ठीक नहीं, तेनू कैंसर हो जाना है, और तेरे मूँह दे क्योंकि उहदे नाल माउथ कैंसर होण दे, मूँह का कैंसर होण दे, गले का कैंसर होण दे, या फेफड़िया का कैंसर होण दे बड़े चांस वध जांदे आ, उहने कई वार कहना, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਲੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ, ਆਹ ਲੈ ਲਾਤੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜੇਬਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੂੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵੀ ਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟੰਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਪੂੜੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗਈ
ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾ ਲੱਗਿਓ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਛਿੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪ ਲੱਥਾਂ ਚਲਾਈ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਟੇ ਚੋਰੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾਈ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਅੱਛਾਈ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਵਧਣੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਸਾਲ ਦਾ 90-95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੈ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ ਪੌਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧੇ ਵੱਧ ਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਜਿਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਧੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਪੇੜ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹਦੇ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇੜ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੇੜ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੇ ਗਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਲਟਾ ਜਾਨ ਗੁਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਭਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਪੌਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦੇਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਪੇੜ ਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਾਨਣ ਸਕਣ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੀਜ ਪੌਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਣ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਣ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਓ
क्योंकि याद रखना जदों तुसी आप भी शंका बहमा भरमा च रहिंदे हो तो अपने बच्चों भी बहमा भरमा च छड्ड के चले जाते हो ना, तो फिर बच्चों भी तुसी ਉਹ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਨਾ ਰਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਸਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ कि अज तुसी कहंदे हो कि बेटा जे काली बिल्ली रास्ता कट जावे ना तो रास्ता नहीं पार करना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाता है। हुण तुसी किहड़ा किहड़ी सोच का बीज अपने बच्चे अंदर ला रहे हो? हुण सारी जिंदगी बच्चा 100 साल का भी हो जाएगा तो तुहाडा लाया बीज उन्हू तंग करेगा, वह अज भी बिल्ली तो डरेगा। तो जिहड़ा चंगा बीज लाएगा वह की कहेगा? वह बेटा वहमा भरम च पैण की लोड़ नहीं, आ पैंचक आ जिहड़ियां मंगलीक है आ जिहड़े ग्रह नक्षत्र है इन्हां दी चिंता करन दी लोड़ नहीं, जिन्होंने ये प्रभु जिस परमात्मा ने प्रभु ने इन्हां नूं बनाया है बस तू उस ते विश्वास रखी तेरा बाल कदी बिंगा होने नहीं देगा। तो ऐसे ही बच्चों के जीवन च वह विश्वास का बीज ला रहे कि हुण बच्चा सदा विश्वास के पेड़ थले बैठेगा और जीवन च कामयाबी के फल खाएगा। हुण एक बाप जे नशा करता है, फर्ज करो सिगरट पीता है, शराब पीता है, जिदा दसिया मसाला खाता है, मसाला यानी की होंदा है जरदा, समझ रहे हो, ये जरदा खाता है तो बच्चों को किहड़ा संस्कार का बीज दे के जा रहा है? बच्चे ने कहना डैडी खाता सी कोई चंगी चीज़ होनी मैं भी खा के देखा, डैडी ने कहना नहीं पुत तू नहीं खाना माड़ा तेरे वास्ते। हुण बच्चा उत्थे तां समझ जाएगा, क्यों समझेगा? क्योंकि उन्हें पता है कि माँ बाप को आदत हमेशा मना करन दी है। जे बच्चा गड्डी चला नहीं, बेटा तू छोटा है गड्डी नहीं चला सकता, तू छोटा है मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, वो तू छोटा है कोठे से कला नहीं जा सकता, ये तो हर जगह रोकते रहेंगे, ये तो हर जगह मना ही करते रहेंगे। नहीं बेटा तू शराब नहीं पी सकता, तू नशा नहीं कर सकता, ये तो हर जगह रोकते ही रहेंगे, जे तो मोटरसाइकिल तो रोकते तो बीड़ी तो रोकते। वो यही गल सोच रहा है कि जे मैं चोरी मोटरसाइकिल चला सकता डैडी दसे तो बिना, तो डैडी दसे तो बिना सिगरेट शराब बीड़ी भी पी सकता है, क्यों? क्योंकि मेरा डैडी पींदा है, संस्कार लाए वो अंदर। इस करके अज सानू भी जदों बजुर्ग एक बीज ला रहा है असीं कहांगे तुसीं बाहरले बीज लाओ ना लाओ पर संस्कारां दे बीज जरूर ऐसे समाज अंदर बो के जाओ, बीज के जाओ कि जिदा पुराने बजुर्गों ने सानू चक्कर च पा दिता, पैंचकां माड़ियां आ फलाना ग्रह माड़ा आ फलानी चक्कर माड़ा। अज असीं इह सोच नूं बदलीए, बहमां भरमां नूं तोड़ के सारे समाज के अंदर यह विश्वास पैदा करिए कि कुछ नहीं है, सब तो बड़ा तो मालिक है, इसलिए जो अपने मालिक से यकीन रखता है वह मालिक उसकी रक्षा भी जरूर करता है। इनू कहते चंगे संस्कारां दे बीज। ये चेक करो अपने अंदर कि मैं चंगे संस्कारां दे बीज ला रहा अपनी औलाद अंदर, या मैं भी पिछलियां गल्लां मन के बहमां च वसिया तो अपने बच्चों भी बहमां च ही फसाई जाता है। तो उही गल है बेटा, आ रस्सी च मैं सारी जिंदगी बजा बैठा रहा, हूँ आ रस्सी अपने पैरों खोल के तेरे पैर च बन के चलना, तू भी बजा ही रही अगे ना बधी। कि एक माता पिता इदा अपने बच्चे अगे बधाने वाला काम करते हैं या उत्थे ही पसाने वाला काम करते हैं? जिहड़े सही मायने च माता पिता अपने बच्चों ना प्यार करनगे ना, वह बहमा भरमा दी सारियां रस्सियां तोड़न की कोशिश करनगे, वह कहणगे हटाओ बस विश्वास करो वो मालिक ते, क्योंकि बहम सानू रोकदे है तो साडे मालिक का विश्वास सानू अगे बधांदा है, क्योंकि मालिक आप ही अगे वधदा है, उहदी रहमत भी अगे वधदी है तो सानू भी वो अगे बधांदा है। तो जिहड़े बहमां भरमां दीआं शंकावां दीआं ही रस्सियां च बज्जे रहिंदे आ उहनां दी इक हद हुंदी, उस तों बाद कदी वो जा ही नहीं सकदे। जिदां एक गाऊं दे गले च रस्सी बंनदे हो ना, वह किन्नी क दूर तक जाएगी? जवाब दिओ सानू, एक गाऊं दे गले च रस्सी बज्जी होवे तां किन्नी क दूर तक जाएगी? जिन्नी लंबी रस्सी होएगी, जे रस्सी 10 मीटर दी तां 10 मीटर तक ही घूमेगी, वह खुंडे दे नाल बज्जी होई, जे रस्सी 20 मीटर दी तां 20 मीटर तक घूमेगी, तो जे रस्सी है ही 2 हाथ लंबी तो बेचारी खुंडे दे कोल बैठी रहेगी। इहदा मतलब की है? जिड्डी लंबी रस्सी उन्नी ही पहुँच। अज इंसान बाहरों तो कहण नूं आजाद है कि मैं जी आजाद हो गया, मेरा देश आजाद हो गया, पर देखिया जावे तो अंदरों इंसान बहमां भरमां दीआं रस्सियां च जकड़िया होया है, जात पात बंधन धर्मां दीआं रस्सियां च जकड़िया होया है। अज भी इंसान इदां दे भेदभाव अपने अंदर लैके बैठा कि इंसान उहदे दायरे तो बाहर जांदा ही नहीं है, निकलदा ही नहीं है। और असीं चाहुंदे जिहड़े मालिक नाल प्यार करन वाले है, असीं तुहाडीआं रस्सियां खोलण आए हां, तुहाडीआं रस्सियां कट्टण आए हां, तुहाडीआं बहमां भरमां दीआं डोरियां तोड़न आए हां, तां कि तुसीं ओह आनंद दीआं उडारियां मार सको जिथे ओह मालिक रहिंदा, तुसीं भी उत्थे पहुंच सको।
क्योंकि इन्हें रस्सियां च बहमा भरमा दी रस्सियां च फस के तुसी उत्थे तक नहीं पहुंच सकते जिथे तुहाडा मालिक वसदा है। समझदे हो? ये अपने प्यारे नूं अपने तक लैके आना होवे तो उहदे बंधनां नूं कटना ही पैना है, तोड़ना ही पैना है। हुण प्यारा तां कोशिश करदा है पर जे ऐसी कहीए नहीं जी बंधन मेरा जन्मां दा आ, मेरे बाप दादे तो चले आ रहा बंधन, मैं नहीं इहनूं तोड़ सकदा, ये तो पिछलियां पुश्तां तो चले आ रहा, पूरी दुनिया मंनदी आ गई, मैं नहीं तोड़ सकदा। तो हुण भाई पहला पूरी दुनिया मंनदी सी कि धरती चौरस है, जरा गौर करना पहला की मनिया जांदा सी धरती चौरस है, क्योंकि कई कहिंदे सी कोई नहीं धरती दे अंतिम सिरा होना जे तू अगे नेरा ही नेरा है, थले टोआ ही टोआ है, खाई खाई अगे है ही कुछ नहीं, बहुत पहला। पर फिर विज्ञान ने खोज की कि धरती चौरस नहीं है, धरती गोल है। पहला की मनिया जाता सी कि सूरज धरती के चक्कर लाता है, समझदे हो कि नहीं, कि धरती खड़ी है सूरज चक्कर ला रहा है, पर अज बच्चा बच्चा जानता है कि सूरज खड़ा है तो धरती चक्कर ला रही है। हुण इहदा मतलब कि जे साडे सियाणे पहला मानदे सी धरती चपटी है जां धरती खड़ी है सूरज चक्कर लगा रहा है, तां असीं कहिंदे नहीं उह सच है। अज विज्ञान ने साबित कर दिता, तस्वीरां दिखा दित्तियां, फोटोआं दिखा दित्तियां, इदां दी वीडियोज़ दे ज़रिए सानूं समझा दिता कि भाई धरती सूरज दे इर्द गिर्द घूम रही है। तां हुण जरा बंदा कहे नहीं जी जो साडे बाप दादा पड़दादा पिछे ना बजुर्ग कहिंदे आ गए तां उही मन्नना धरती चौरस है, नहीं भी मैं मोटरसाइकिल लेके नहीं कितने निकल लगते धरती चौरस होवे तो मैं गिर ही जावां थले। समझदे हो? ये तो ना समझी है ना, पहला दुनिया की मानती सी अपनी समझ के हिसाब नाल मानती सी, पर जिदा समझ के दायरे वधे सच्चाई वधी, सच्चाई का पता लगा तो बंदे ने उन्हें एक्सैप्ट किया, मनिया उन्हें। इदी असीं कहांगे जे विज्ञान के मामले तुसीं मन सकते हो तो ध्यान के मामले क्यों नहीं मन सकते, रूहानियत के मामले क्यों नहीं मन सकते कि अज तो मैं सारे वहम भरम छड़ने हैं, ये वहमा भरमा चो बाहर निकलना है, ये जात पात ऊंच नीच के बंधन तोड़ने हैं मैं, और अपने मालिक के प्रेम नाल विश्वास नाल ये याद रखना है कि सबका मालिक एक है, असीं सारे एक ही बाप के बच्चे हैं, इसलिए साडे अंदर कोई ऊंच नीच जात पात के भेदभाव नहीं है। सारे वहम भरम खत्म करने हैं, छड्डो इन्हां वहमा भरमां नूं, और जिहड़े मालिक दे हो गए वह तो छड्डण गए, ये गल याद रखना हमेशा, क्योंकि उन्होंने पता है कि जिदा दसिया है कि जिन्होंने अपने मालिक पर विश्वास है फिर वो चिंता नहीं करते दिना त्योहारा की, वो कहते सब तो बड़ा दिन त्योहार उ जो साडे मालिक का हुक्म हो गया। समझते हो कि नहीं? जिदा दसी दा ना पलटू शुभ दिन जुप शुभ घड़ी, याद करे जब नाम लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े। वो एडे एडे संत महापुरश अपनी बाणी च कह गए कि लगन मुहूर्त जो तुम घटाते फिरते हो ना कि जन्म पत्री लैके कुंडली कटते हो ये करते हो, झूठ है, सब कुछ व्यर्थ है, ये तो एवं अपना समा अपना टाइम अपना मन जिदा समझ लो वहमा भरमा ना भर के अपना टाइम अपना समा पैसा खराब करने की गल है। सब तो बड़ी गलत है कि वह कहते वह दिन इंसान वास्ते सब तो उत्तम हो जाता जो इंसान विश्वास नाल अपने मालिक नू याद कर लेंदा है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, और जिदा कही दा जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो कभी गल है डरन की, वह चिंता ही नहीं करता। अज सानू भी जिदा विज्ञान की सोच नाल इंसान की सोच बदली, विज्ञान नू लैके धरती नू लैके सूरज चंद सितारियां नू लैके, इसी तरह अज जरूरत है कि साडे वचनां नू सुनो, गुरुआं रहवरां दे वचनां नू सुनो, और अपने अंदरली सोच नू भी बदलने की कोशिश करिए, ये वहमां भरमां नू तोड़िए, हकीकत नू पहचानिए। क्योंकि हमेशा याद रखो कि जिदा का यही बहुत बार कही कि जिदा का तुहाडा विश्वास हुंदा तुहानू उदा का फल मिलना शुरू हो जाता है। अज तुसी एक गल सुन ली है कि जिदा का विश्वास हुंदा उदा का फल मिलना शुरू हो जाता, कल नू घर जाके ना तुसी किसे रंग का कपड़ा पा के सोचो ये कपड़ा ये रंग मेरे वास्ते चंगा नहीं होना, इन्ना मेरा माड़ा ही करना है, तो वाकई तुहानू जिदा का विश्वास होना फल मिलना शुरू हो जाना। तो जे कहो सारे रंग मेरे मालिक दे है, सारे रंग मैनू फायदा ही देणगे, क्योंकि जिहड़ी मेरे मालिक ने बनाई है वह चीज़ मेरे वास्ते फायदेमंद ही हो सकती, वो चीज फायदा देना शुरू कर देगी। सोच समझ समझ दो नहीं, कई जीव नाम की दात लैके मालको कि दिशा में मूह करके नाम जपना चाहिए है। ठीक है भाई, कि दिशा साडा मालिक है नहीं, जिधर है नहीं उधर ना कर, जिधर तेन लगता मेरा मालिक है उधर मूह करके नाम जप लै। फिर कहते जी लेट के जप सकते हैं कि जप सकता, उधर भी तो उही है। समझ दो नहीं, तू चाहे पेट दे वल लेट जा क्योंकि धरती विच भी उही है, चाहे पेट दे वल लेट जा आकाश वल भी उही है, चाहे पूर्व वल मूह कर ला पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर मर्जी मूह कर ला, साडा मालिक तां हर जगह मौजूद है। इसलिए मालिक तो वह शक्ति है जिहड़ी हर जगह
अपना कर्म कर रही है। पर साडा विश्वास है जे असीं अपने मन च सोचिए कि नहीं जी पूर्व वल मूँह करके पूजा की फिर ही सफल है, जे दक्षिण कर ली पश्चिम कर ली या लेंदे चढ़ते इधर उधर कर ली तो फिर मेरी पूजा सफल नहीं होनी। तो परमात्मा नूं इहदा मतलब नहीं, असीं सोच लिया तो साडे मन च शंका जी रहनी है कि सफल नहीं हुई क्योंकि मैं पूर्व वल मूँह नहीं किया, या मेरी नमाज सफल नहीं हुई मैं लेंदे वल मूँह नहीं किया, पश्चिम वल मूँह नहीं किया। वह हर जगह परमात्मा ही है, बस तेरा विश्वास होना चाहिए कि मैं जिधर मूँह कर लवा मेरा मालिक उधर है, तो तू जिधर मर्जी मूँह करके बह जा, वो तेरी बंदगी तेरी इबादत तेरी पूजा तेरी नमाज कबूल कर लेगा क्योंकि उही तो है। समझ आ रही कि नहीं? हुण सूरज का प्रकाश किधरले पासे है, जवाब दिओ जरा, पूरब है पश्चिम उत्तर है दक्षिण किधर है प्रकाश, हर पासे है कि नहीं? तो जे एक छोटे जे सूरज का प्रकाश हर पासे हो सकता तो मेरे एडे वड्डे मालिक का प्रकाश क्यों नहीं हर पासे हो सकता जिन्हें सूरज नूं पैदा किया? लखां ही सूरज लखां ही चंद लखां ही आकाश लखां ही पृथ्वियां लखां ही ब्रह्मांड लखां ही आकाश गंगा जिन्हें बनाईया है, फिर वह किधर नहीं होएगा? जरा समझना सारिया ने। इसलिए भरमा चो निकलना है असीं और विश्वास नाल अपने आप नूं भरपूर करना है क्योंकि जिन्ना साडे अंदर विश्वास वधदा चला जाएगा उन्नी साडी जिंदगी खुशियां नाल आनंद नाल शांति नाल भरपूर हुंदी चली जाएगी। इसलिए अंदर जिदा दस्सिया कि जो अंदर भेजांगे बाहर भी फिर ਉਹੀ ਆਉਣਾ, ਇਸਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ और ये संसार नूं बेहतर बनाने वास्ते अच्छा बनाने वास्ते की कर सकदा है। फिर जो भी अंदरों आवाज आए कि भाई अपने आप नूं अच्छा बनाने वास्ते तू सिमरन कर सकदा है, सत्संग विच बह सकदा है, चंगा भोजन कर सकदा है, एक्सरसाइज कर सकदा है, या आ अच्छी चीज़ सुन सकदा है, आ अच्छी चीज़ पढ़ सकदा है, तो फिर जो अंदरों आवाज आए करो क्योंकि इन्नी समझ सानूं मालिक ने दित्ती हुई है कि असीं यह जानते हैं कि कहड़ी चीज़ साडे वास्ते अच्छी है तो कहड़ी चीज़ साडे वास्ते माड़ी है। हुण जो अच्छी है ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ अपनी गिनती अच्छे इंसानों में मत करना। कहते बंदा का मैं बहुत अच्छा, कई बार बंदा तू कि भाई ल मेरे वर्गा तो कोई होना ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा मैं बहुत चंगा मेरे वर्गा कौन होना है, मैं बहुत अच्छा है, अच्छा है बुरा मैं बहुत अच्छा है। पर कहते याद रख जब तक तेरे अंदर क्रोध और अहंकार है उदों तक अपनी गिनती कभी अच्छे लोगों च ना करी क्योंकि जे तेरे अंदर क्रोध है अहंकार है तो तू अच्छा हाले है ही नहीं, अच्छा हो सकता है हाल नहीं अच्छा। जो बंदा कहता कपड़ा चिट्टा या काला है वह तो धब्बे लगे हुण मैला होवे तो बंदा कहता है तो सफेद पर हाले सफेद है नहीं, थोड़ा धोना पैना है, यदि मैल नूं इत्थे लगे दागा नूं साफ करना पैना, जे धो दिता जाए फिर चिट्टा हो सकता है। तुसीं अच्छे हो सकते हो, तुसीं अच्छे बन सकते हो, पर वो अच्छे बनने वास्ते तुहानूं की करना पैना, अच्छे बनने वास्ते तुहानूं अपनियां कमियां नूं दूर करना पैना, अपने अंदर लगे हुए दागां नूं हटाना पैना है, बुराई दे दाग ए क्रोध दे अहंकार दे दाग जिहड़े ना धोवांगे तां फिर ही साडी अच्छाई बाहर सफाई बाहर आएगी। इसलिए जब तक तुम्हारे अंदर क्रोध और अहंकार है अपने आप को अच्छे लोगों में मत गिनना, कभी गिनती ना करो कि मैं भी अच्छा हाँ, जे मैनूं लगता है कि मेरे अंदर क्रोध है, मैनूं लगता मेरे अंदर अहंकार है, मैनूं माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा आ जाता है या माड़ी माड़ी गल मैनूं तकलीफ दिंदी है, उन्हें मैनूं बुलाया नहीं मैनूं गुस्सा आ गया क्योंकि अहंकार हुंदा साडा लै भी उन्हें मेरे पैरी हाथ नहीं लाया, उन्हें मैनूं बुलाया नहीं या उन्हें मेरी इज्जत नहीं की सत्कार नहीं किया, उन्हें मैनूं गाली क्यों दे दित्ती, ये अहंकार है। जदों दुख लगे तो समझ लो अंदर अहंकार है, तो हाले मैं अच्छे लोगों की गिनती नहीं आ सकता क्योंकि हाले मेरे अंदर जिदा कह लो हाले मैं साफ कपड़िया की गिनती नहीं आ सकता, हाले कुछ दाग लगे हुए पहले इन्हू धो लीए। जिदा बंदा कहिंदा ना ड्रैगलीन वाले की करते, जिहड़े कपड़े साफ हुंदे उन्हां नूं चक्के एक पासे रखदे, जिहड़े धोण वाले हुंदे ऐ उन्हां नूं इत्थे रखदे ऐ, तां कोई पुछे भाई इन्हां नूं साफ दे कपड़िआं दी लाइन च रखदे मैं, ओह नहीं हाले साफ दे लाइन च लगण वाले नहीं है क्योंकि हाले धोणा जरूरी है। इदां हुंदा कि नहीं? तुसीं घर च रखदे हो कपड़े खोल के, जिहड़े मैले हुंदे इक पासे रखदे हो तां जिहड़े धोते हुंदे ऐ
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਲੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਹੈ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਔਰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅੱਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬਣਦਿਆਂ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗਾਊਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਊਂ ਯਾਨੀ ਗਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਾਊਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਗਾਊਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾਊਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਾਊਂ ਆਈ ਆ ਲੈ ਭਰਤਾ ਤੇਰਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਗਾਊਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਊਂ ਖੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਾਲਟੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਊਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਗਾਊਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਊਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਊਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਫੜਾਇਓ ਨੋਟ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ 100 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਕਾਂਟੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਚੈਨਲ ਕੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਈਏ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ